हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गीता और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थानी मोठ के पकोड़े। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तो फ्रेंड जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और कैसी लगी आपको रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं पकोड़े बनाना। दाल के पकोड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं। ये मैंने 300 ग्राम मोठ की दाल ली है। इसको 3-4 घंटे पानी में भिगो के अभी अच्छे से मैंने धो लिया है। इसको मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज, थोड़ा सा लहसुन और अदरक, हरे वाले प्याज, हरे धनिए, थोड़ा सा जीरा और आंखे वाले धनिए, हींग और थोड़ी सी अजवाइन। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं पकोड़े बनाना। तभी हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है और उसमें डाल देते हैं ये दाल। दाल हम अच्छे से पीस लेंगे इसमें डाल के। तभी इसी में डाल देते हम ये लहसुन और अदरक जो लिया था, इसमें साथ पीस जाएंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी हम इसको अच्छे से पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल को हमने अच्छे से पीस लिया है। देखिए इस टाइप की दाल चाहिए हमें पीसी हुई, इस टाइप की दाल तो हमने अच्छे से पीस लिए। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो दाल को अब हमने एक बड़े बर्तन में ले लिया है, तो अभी इसमें डाल देते हम सबसे पहले हींग, साथ ही डाल देते हम अजवाइन, थोड़ा सा टेस्ट करके डालेंगे इसमें ताकि इसका टेस्ट है जो बहुत अच्छा आता है। साथ ही डाल देते धनिए, आखे धनिए, ये इनको मैंने क्रश कर लिया है पहले से ही, थोड़ा सा जीरा, साथ ही डाल देते हम मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर डाल देते हैं, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच डाल देते हैं हम नमक। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी में डाल देते हैं ये हरे वाले प्याज, साथ ही डाल देते हैं हरे धनिए, इसी में डाल देते हैं हम प्याज, गोल वाले प्याज और ये हरी मिर्च। अभी सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, पकोड़े के बैटर तैयार कर लिए हमने इस तरह से। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ले लिए कढ़ाई और कढ़ाई में ले लिया तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो अभी इसमें डाल देते हैं हम पकोड़े। एक एक पकोड़ी डालें, साइज आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, छोटी बड़ी जैसी आपको पसंद हो। फ्राई हो गई है, तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। बस इस तरह की चाहिए हमें, अच्छे से झटक लेंगे ताकि तेल है जो सारा निकल जाए। एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट पे हमने टिश्यू पेपर लगा लिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल हो वो भी इस पे रह जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हम सारी पकौड़े तल लेंगे अच्छे से। इसी तरह हम और डाल देते हैं, ज्यादा बड़े नहीं डालने हमें, ज्यादा बड़े होते हैं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं।
पकौड़ी हमारी अच्छे से सिक गई है। अभी इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह सारी पकौड़ी बना के तैयार कर ली हमने। देखिए इस तरह से सीखी हमने इनको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मोठ की पकौड़ी बनके एकदम तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको आप हरी चटनी या धनिया की चटनी या सॉस किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, खासकर सर्दियों का मौसम है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।